वो पाकिस्तान से अवैध रूप से भागकर भारत आई है। सीमा हैदर और सचिन का प्यार इन दिनों एक मिसाल बना हुआ है। अवैध रूप से भारत में आई सीमा इन दिनों जांच एजेंसियों के रडार पर भी है। पिछले दिनों यूपी एटीएस की टीम ने लगातार ताबड़तोड़ पूछताछ भी की थी। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी को देश की ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया ने भी कवर किया था। इन सबके बीच सवाल कई हैं, जिसका जवाब अभी आना बाकी है। इसी बीच अब सीमा हैदर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर और उसका प्रेमी सचिन इन दिनों रबुपुरा के दूसरे घर में रह रहे हैं। सचिन के पिता ने गुहार लगाई है कि कोई समाधान निकाला जाए, नहीं तो उन लोगों के भूखा रहने तक की नौबत आ जाएगी। घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा पा रहा है, ना ही पैसा कमाने का कोई जरिया है। काफी दिनों से वायरल हो रही सीमा और सचिन के बदहाली की खबर के बाद एक प्रोड्यूसर ने उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफर दिया और उनकी मदद की पेशकश की है। तो क्या सचिन की हीरोइन बनेगी सीमा? यह सवाल फिर सबके जहन में दौड़ने लगा। हालांकि आपको बता दें कि यह फिल्म उनकी लव स्टोरी पर नहीं बल्कि राजस्थान में टेलर कन्हैया के मर्डर पर आधारित है। वहीं फिल्म ऑफर करने वाले मेरठ के प्रोड्यूसर अमित जानी का कहना है कि शुरू में हम सीमा हैदर के साथ नहीं थे, लेकिन पता चला उसे और सचिन को खाने पीने की परेशानी है तो मदद के लिए हाथ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अंजू की मदद के लिए हाथ बढ़ रहे हैं। तो इधर सचिन और सीमा हैदर ने कहा है कि वे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के कारण काम धंधे पर नहीं जा पा रहे, तो इसलिए उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ा है। अब सीमा सचिन को फिल्म में मिले काम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।